नमस्कार, रणवीर प्रजापति में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक मीम कॉइन के बारे में। दोस्तों, अगर हम इस मीम कॉइन की बात करें तो फ्रेंड्स, अभी मार्केट में ये कॉइन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इस कॉइन की जो हवा है वो मार्केट में इतनी ज़बरदस्त हो रखी है कि इस कॉइन में आपको आने वाले कुछ ही टाइम में ज़बरदस्त पंप देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस कॉइन में अभी भी सिर्फ 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास समथिंग 25 लाख कॉइन आ जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेबी डोज कॉइन के बारे में। दोस्तों, ये कॉइन अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और दोस्तों, शिबा और डोज कॉइन के बाद में ये तीसरा मीम कॉइन है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी अभी मार्केट में हासिल कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर, हमें बेबी डोज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेबी डोज कॉइन के बारे में पूरी कवर करने वाले हैं कि हमें बेबी डोज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस कॉइन का प्रोजेक्ट क्या। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि बहुत ही जल्द है बाइनेंस पर भी लिस्टेड हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर अभी हम बेबी डोज कॉइन के रैंक की बात करें तो 2832 नंबर रैंक पर ट्रेड कर रहा है और इस कॉइन की प्राइस आप अभी देख सकते हो समथिंग 60 के बाद में 4392 है और यहाँ पे इस कॉइन में अभी 10% के आपको तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये कॉइन आप देखोगे तो ये हटके क्यों है। दोस्तों, आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे मीम कॉइन है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि डोज कॉइन है वो एथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, बेबी डोज कॉइन शिबा है वो भी एथेरियम के, और दोस्तों यहाँ पे जो बेबी डोज कॉइन है ये भी एथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट पे। दोस्तों, बाइनेंस की इस ब्लॉकचेन पे किसी भी कॉइन को क्रिएट करना आसान होता है, लेकिन दोस्तों अगर हम एथेरियम की ब्लॉकचेन पे किसी भी कॉइन को अगर क्रिएट करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसीलिए ये कॉइन कुछ हटके और यहाँ पे इस कॉइन में आने वाले टाइम में आपको बहुत ही जल्द पंप देखने को मिल सकता है। इसके बाद में दोस्तों, आप यहाँ पे इस कॉइन का जो चार्ट वगैरह है वो चार्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हो। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस कॉइन के ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कॉइन के ट्रेडिंग वॉल्यूम में समथिंग आपको 30% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कल भी ये कॉइन समथिंग 10% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा था। अगर हम इस कॉइन के सप्लाई की बात करें तो फ्रेंड्स, इस कॉइन की जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ इस कॉइन की जो सप्लाई है टोटल सप्लाई का जो 41% हिस्सा है वो यहाँ पे बर्न होने वाला है। और दोस्तों, वो बर्न कब होगा इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये कॉइन और भी ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हो रखा कि अगर हम देखें तो ये समथिंग 10 से 15 एक्सचेंज पर लिस्टेड है। बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सचेंज हैं, उन एक्सचेंज पर ये कॉइन लिस्टेड हो चुका है। आप देख सकते हो Gate.io है, यूनिस्वैप है, OKEX है, MEXC है। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर सी ऑल द मार्केट पर जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंज हैं जिन एक्सचेंज पर आपको ये कॉइन लिस्टेड मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें कि Gate.io पर इसके अगर कॉन्फिडेंस देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाई दिखा रखा है। इसके बाद में दोस्तों, अगर हम MXC पे देखें तो यहाँ पर भी बहुत ही हाई दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे ये तो 100% है कि यहाँ पे 5 महीने लग सकता है, 6 महीने लग सकता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द जो बाइनेंस पर इस कॉइन की लिस्टिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ पे बाइनेंस पर इस कॉइन की लिस्टिंग है वो बिल्कुल 100% होगी। और अभी हम बात कर लेते हैं इस कॉइन के प्रोजेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम इस कॉइन के प्रोजेक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, शिबा इनू और डोज कॉइन की तरह बिल्कुल ये डिसेंट्रलाइज और कम्युनिटी ड्राइव टोकन है। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी इस कॉइन का मालिक नहीं है, मतलब कम्युनिटी ही जो भी इस कॉइन को बाई कर रहा है वही इस कॉइन का मालिक है। और दोस्तों, यहाँ पे इस कॉइन को जो रन है वो कम्युनिटी ही करवा रही है। इसके बाद में दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ पे जितने भी इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट है इनके यहाँ पे दे रखे हैं। और उसके बाद में दोस्तों, अगर हम नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेटिंग से जो ऑडिट होती है वो भी इन्होंने क्लियर कर ली। और दोस्तों, यहाँ पे जो इनका प्रोटोकॉल आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों, अगर हम इसके बर्निंग की देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव बर्न 41%। दोस्तों, टोटल सप्लाई का जो 41% सप्लाई है वो यहाँ पे बर्न होने वाली है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। और यहाँ पे इसके बाद में दोस्तों, इनका जो बेबी डोज कॉइन का जो ATM के टाइप में खुद का कार्ड है वो कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो इनका खुद का जो
एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो जो बहुत ही जल्द यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए। और इसके बाद में दोस्तों आप नीचे आओगे तो देख सकते हो कितने सारे एक्सचेंज हैं जिन एक्सचेंज पर ये कोई लिस्टेड है। बिटमार्ट है, gate.io, OKX है, xt.com है, पेनकेक स्वैप है, और दोस्तों यहाँ पे BSC स्कैन है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप टोकनोमाइज में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर हम ऑल ओवर बात करें तो फ्रेंड्स ये कॉइन आपको आने वाले टाइम में अगर आपने शिबा इनू है डोज कॉइन में अगर आपने अभी तक प्रॉफिट अर्न नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस कॉइन में आप छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी हेवी क्वांटिटी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ से अगर ये कॉइन 2 जीरो भी कम कर देता है फ्रेंड्स 2022 के एंड तक ये आसानी से आपको 2 से 3 जीरो कम करता हुआ नज़र आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 1000-2000 रुपये भी कई लाख रुपये में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो बिल्कुल बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये कॉइन अभी आपको काफ़ी डाउन में मिल रहा है। और फ्रेंड्स जिन बंदों ने भी आज से 1 साल पहले इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया होगा फ्रेंड्स उन सभी बंदों का आज पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार होगा क्योंकि इस कॉइन ने कई गुना का रिटर्न यहाँ पे दे दिया है पिछले 1 साल में। और फ्रेंड्स अभी मार्केट में डाउन होने की वजह से ये कॉइन आपको काफ़ी डाउन में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।